एक बार वृंदावन आश्रम में महाराज जी से मिलने के लिए शेयर बाजार में सोने का सट्टा लगाने वाला एक बड़ा ही धनी व्यापारी दरबार में पहुंचा। बाबा जी ने बातों ही बातों में उस व्यापारी को ये कहा कि भविष्य में सोने की कीमत नीचे जाएगी। व्यापारी ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन बाबा जी ने कुछ कारण गिनाए और फिर से कहा, सोने की कीमत निश्चित रूप से कम होगी। अब ये सुन करके व्यापारी तुरंत अपने घर गया और सारा सोना मामूली लाभ पर बेच दिया। बाद में जब कीमत कम हुई और उस आदमी को एक बड़ा नुकसान होने से बच गया, तो वो जब अगली बार बाबा से मिलने आया तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बाबा जी को उसने 2,000 रुपए की पेशकश की। बाबा जी ने ये पैसे लेने से तुरंत इनकार कर दिया। तमाम मिन्नतों के बावजूद बाबा जी ने ये पैसे नहीं लिए। जब वो व्यापारी चला गया तो एक भक्त ने बाबा जी से कहा कि बाबा, आपको ये धन ले लेना चाहिए था, इसका उपयोग आश्रम और मंदिर के लिए किया जा सकता था, फिर आपने ये पैसे क्यों नहीं लिए? बाबा जी ने तुरंत कहा, वह हमें ये पैसे देकर खरीदना चाहता था, इसलिए हमने ये पैसे नहीं लिए। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।